दोस्तों नमस्कार, एजुकेटेड हिमालय की ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर। इस पूरी की पूरी सीरीज में हम हर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, इस सीरीज में हम सिर्फ ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट की करेंगे। इससे पहले जो जनरल ज्योग्राफी थी हिमाचल प्रदेश की, वो हम वीडियोस पहले ही बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनाएं या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। साथ ही ये वाली अप्रोच हमारी आपको कैसी लग रही है वो भी हमें बताइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, जैसे रिवर्स डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ की इंपॉर्टेंट वैलीज डिस्कस कर लेंगे, यहाँ की इंपॉर्टेंट हिल्स डिस्कस कर लेंगे, और भी जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ज्योग्राफी शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान मैप की तरफ खींचना चाहता हूँ। मैप में आप ध्यान से देखें तो ये जो एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज बिलासपुर, बिलासपुर की बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, दिस इज 1167 किलोमीटर स्क्वेयर, 1167 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 1167 आप इसको मार्क कर लीजिए, ये किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो पूरा एरिया है उसका ये सिर्फ 2.10 किलोमीटर परसेंट है, 2.10% जो एरिया है वो बिलासपुर का है। उसके साथ ही आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है, वो है बाउंड्रीज, कौन कौन इसको बाउंड करता है। तो अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में इसको बाउंड करता है मंडी, और अगर आप हमीरपुर को देखें तो ये भी नॉर्थ में भी है, और अगर आप वेस्ट में देखें तो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ हिस्सा हमीरपुर वेस्ट में है और ऊना वेस्ट में है। अगर आप उसके अलावा ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट में आप देखेंगे, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में आप सोलन देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखना होगा कि मंडी, यहाँ पर आपको मंडी का हिस्सा है। उसके अलावा साउथ की बात करें तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर बिल्कुल जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड नालागढ़, और ये कहाँ पर आता है, सोलन में। सो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैप में आपको देखने को मिलती है। साथ ही अगर आपके पास कोई मैप है उसको निकाल लीजिए और इसको स्टडी करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी यहाँ से इस तरह से इसको ऊना की तरफ जाती है और लगभग इसको दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट पे मैं ध्यान आपका डालना चाहता हूँ। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप ये एरिया नोट करना चाहते हैं, ये सब जो हमने एरिया बताया आपको। और दूसरी खास बात आपको ये याद रखनी है, जो बिलासपुर है सेकेंड स्मॉलेस्ट, दूसरी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। उसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर जो सबसे मेन रिवर है, उस रिवर का नाम है सतलुज। सतलुज बाउंड्री भी फॉर्म करती है बिलासपुर और मंडी के बीच, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ ऐसे देख लें, एरिया को देखना है, तो ईस्ट से वेस्ट इसका एरिया देखेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाइज देखेंगे तो 51 किलोमीटर की ही लेंथ है। उसके अलावा अगर नॉर्थ टू साउथ देखें, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट को इस तरह देख रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट को और ईस्ट टू वेस्ट, ये कितना कितना किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट 51 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ है 43 किलोमीटर। उसके अलावा जो मैं आपको एक लाइन पहले बताई थी वो ये थी कि बिलासपुर को डिवाइड करती है सतलुज दो, लगभग दो इक्वल हिस्सों में। जो वेस्ट साइड वाला एरिया है उसको हम कहते हैं धार कुठार, वेस्ट वाला जो एरिया है सतलुज के वेस्ट में वो है धार कुठार, और ईस्टर्न साइड में जो एरिया है इट इज नोन एज नैनादेवी। तो आपको ये बात यहाँ रखनी है। दूसरी खास बात यहाँ पर ये कि जो ये पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट है मोस्टली हिली है, हालांकि यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बल्कि पर पहाड़ हैं वो छोटे छोटे पहाड़ हैं। यहाँ का जो लोएस्ट पॉइंट है, मतलब कि सबसे जो निचला एरिया है उसका जो लगभग एवरेज एरिया है वो मीटर्स में हाइट है, वो है 290 मीटर्स। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है 1980 मीटर्स। नाउ आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको पता है कि जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है वो कौन सी पीक है, और उसकी जो हाइट मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ वो है 1980 मीटर्स। उसके अलावा यहाँ पर जब हमने हाइट की बात कर ही दी है, तो यहाँ पर क्या है, सात मेन रेंजेस है। ये आपको नोट करने वाली बात है कि यहाँ का जो पूरा को पूरा हिली सिस्टम है उसमें सात इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, उसमें से इसी वजह से इसको सात धार कहलूर भी कहा जाता है। हमारे हिस्टोरिकल जितना भी हमारा जो प्रिंसली स्टेट्स का इतिहास है उसमें इसको सात धार कहलूर कहा जाता है।
तो अब आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करें, जैसे नैना देवी एक है, दूसरी जो है कोटधार, हालांकि इनको हम डिटेल में करेंगे, झंझियार धार है, त्यून धार, बांदला धार, बहादुरपुर, रतनपुर। तो ये सात इंपॉर्टेंट हिल्स है जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। सबसे पहले तो आपको ये डिटेल में जाने से पहले ये पता होना चाहिए ये बिलासपुर में। उसके अलावा यहाँ की वैलीज के बारे में अगर मैं बात करूँ, वैलीज जो है सतलुज वैली है, चौंटो वैली है, डानवीन वैली, हालांकि इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बस आपको याद रहें क्यों, सतलुज वैली हम पहले ही कर चुके हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं किसी और वीडियो में, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो वैलीज ये है, ये आपको दो याद रखनी है कौन सी एरिया में पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ट्रिब्यूटरी सतलुज की, बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी, अली खड, गंभर खड, सीर खड। सतलुज की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं और है भी, ये हम सतलुज रिवर सिस्टम में पहले पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किस लिहाज से बात कर रहे हैं, जो बिलासपुर के एरिया में यहाँ की ट्रिब्यूटरीज है, तो इसमें तीन है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम पहले सारी की सारी जो धार्स हैं या हिल्स हैं उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले हमने कहा था जो पहला एरिया है मैं डिस्कस करूंगा वो है नैना देवी। नैना देवी की जो लेंथ है लगभग 30 किलोमीटर है, लेंथ में इसकी 30 किलोमीटर है, और यहाँ पर बहुत ही फेमस जो टेम्पल है वो नैना देवी है। इसकी जो नैना देवी टेम्पल की हाइट है कहाँ पर है, इट इज 1100 मीटर्स, 1100 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर दो परगने हैं, दो फोर्ट भी है इन दोनों परगनों में, तो एक कोट कहलूर और फतेहपुर फोर्ट। तो फोर्ट्स भी पूछे जा सकते हैं कि कोट कहलूर का किला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अगर यहाँ पर स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया कि कोट कहलूर का जो किला है नैना देवी की किस पहाड़ी पर है या बिलासपुर की किस पहाड़ी पर है, तो आंसर शुड बी नैना देवी। तो ये आपको इस तरह से याद रखना, और फतेहपुर फोर्ट भी यानी कि किला कहाँ पर है, नैना देवी हिल्स में। अगला जो है वो है कोटधार, कोट हिल भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी भी 30 किलोमीटर लेंथ है, दो इसमें परगने हैं, या यहाँ पर बसे और बछरी टू। परगना मतलब एक पर्टिकुलर इलाका, बहुत सारे कुछ गांव को मिलाकर एक परगना बनता है, तो यहाँ पर दो है बसे और बछरी टू। फोर्ट्स कौन से है, बसे और बछरी टू, दोनों जगह पर हर परगने में एक फोर्ट, और दूसरा दगोगा मल्होट का भी यहाँ पर फोर्ट है। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है या हाईएस्ट पॉइंट है ककरेर बोलते हैं, 1430 मीटर है। तो दो याद कर लिया हमने, कौन सा, नैना देवी एंड कोटधार। उसके बाद झंझियार धार, झंझियार धार की खास बात यह है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है एक छोटी सी खड जिसका नाम है सीर खड। सीर खड को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी अगले सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए जो सदर्न पोर्शन है उसको बदोल कहते हैं, नदर्न पोर्शन को झंझियार कहते हैं। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है झंझियार और वो 1100 मीटर तक है। यहाँ पर देवी बडोली और गुग्गा घेड़वी का मंदिर भी है, वो कहाँ पर है, गुग्गा घेड़वी का, झंझियार धार वाले एरिया में। सो हमने तीसरा भी कर लिया है, नैना देवी, कोट हिल और झंझियार धार। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है त्यून धार। त्यून धार की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं सरयून पीक, 1350 मीटर है, और यहाँ की जो लेंथ है इस पूरी पूरी धार की वो है 10 किलोमीटर लेंथ। टेम्पल्स यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, पीर ब्याणु है, हरम्भा टेम्पल है, सिद्ध गुरुनाथ का जो टेम्पल है वो यहाँ पर है। उसके अलावा फोर्ट सरयून और नौरनगढ़, ये जो फोर्ट्स है आपको याद रखने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ है बांदला धार, ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है बांदला धार भी इस एरिया में है। अब हम जो अगला डिस्कस करना चाहते हैं वो है बहादुरपुर धार। बहादुरपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमने कौन सी धार डिस्कस करी थी वो आपको ध्यान रखना है, हमने करी थी झंझियार धार जिसको सिरखड दो हिस्सों में डिवाइड करती थी, और बहादुरपुर को कौन करता है, अली खड। नदरन जो एरिया है उसको टटोह कहते हैं, सदरन को बहादुरपुर कहते हैं। और दूसरी खास बात कि ये समर अबोर्ड भी था किस राजा का, तो वो थे राजा बिजाई चंद, यहाँ पर रहने आते थे, और इसी वजह से यहाँ पर बहादुर फोर्ट भी है जो 1980 मीटर पर है। तो कौन सी धार भी, बहादुरपुर धार, अगर आपको क्लियर नहीं था तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। रतनपुर धार, रतनपुर धार की खास बात है कि जो यहाँ पर डेविड डॉक्टर लोनी थे, उन्होंने अमर सिंह थापा को इस जगह पर हराया था। तो हमने कौन कौन सी रिवर कौन कौन सी हिल्स पड़ी, नैना देवी, कोट हिल, झंझियार धार, त्यून धार, बांदला, बहादुरपुर एंड रतनपुर धार। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए, ये टिप्स पे याद होने चाहिए। तो अब जो अगला एस्पेक्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रिवर्स। रिवर सिस्टम को थोड़ा सा बिलासपुर के डिस्कस करेंगे। यहाँ की जो मेन रिवर है उस रिवर का नाम है सतलुज। सतलुज क्या है, बिलासपुर में कहाँ एंटर करती है, कसोल में, और नैला के पास,
लीव करती है। सो ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। कसोल याद रख लीजिए, नैला याद रख लीजिए, कसोल में आती है नैला में जाती है। उसके अलावा सतलुज, नॉर्थ ऑफ द सतलुज का जो एरिया है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच साइन की गई थी। अब जो मैं ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करना चाहता हूँ, अलीखड़, अलीखड़ इसमें सबसे आपको ये रखना है कि कहाँ पर आती है, कहाँ पर जाती है और कहाँ राइज करती है। तहसील अर्की से राइज होती है अलीखड़, ठीक है। मंगू ग्याणा जो नाम है वहां पर इसका ओरिजिन माना जाता है। बिलासपुर में एंटर करती है कोठी, हरार और मनहोटी का जो एरिया वहां पर, और बेरी घाट पे लीव कर सतलुज में ज्वाइन करती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बेरी घाट और अलीखड़ और सतलुज कहाँ पर मिलती है, बेरी घाट में। उसके बाद जो अगला है वो है घांबर खड। घांबर खड की क्या खास बात है, ये राइज करती है शिमला हिल्स में तारा देवी के पास। अब बिलासपुर में एंटर करती है नारी के पास या नेरी के पास, अब यहाँ रतनपुर वाला जो एरिया है वो वाला, और सतलुज में ज्वाइन करती है डगरैन में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप ये क्लियर है आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला जो है वो है सीरखड, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। तो सतलुज की बिलासपुर में कौन सी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उस खड का नाम है सीरखड। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में राइज करती है, बिलासपुर में हथवार के पास ज्वाइन करती है, और सतलुज और जो सीरखड है वो सेरी में मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, सतलुज प्लस सीरखड कहाँ पर, सेरी में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी, जैसे 1968 में एक पक्का जो ब्रिज था, यानी कि जो RCC वाला ब्रिज था, वो घुमारवी में बनाया गया। उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है, वो सुकेर और सरयोटी दो ट्रिब्यूटरीज है सीरखड की, वो हमीरपुर से आती है और बिलासपुर में बलगर के पास मिल जाती है। तो ये सुकेर और सरयोली किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये है सीरखड की। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टैंक्स भी है, जैसे राजा हीरा चंद ने स्वारघाट और जगत खाना में दो टैंक्स बनाए 1874 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैंक्स के लिए बहुत फेमस है राजा हीरा चंद। दूसरा एक टैंक है टैंक तोबा संघवाना, वो राजा बिजाई चंद ने बनाया था, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिलासपुर में दो स्प्रिंग हमें पता होना चाहिए, एक है लुहुंड, लुहुंड का स्प्रिंग, और दूसरा बस्सी का। बस्सी में जो स्प्रिंग है वो सीक्रेट माना जाता है, लुहुंड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यू नीड टू स्टडी देम बोथ, आपको ये याद रखने जरूरी है। उसके अलावा कुछ टेंपल्स है, जैसे गोपाल टेंपल बिलासपुर में, गोपाल कृष्ण टेंपल धवांकोठी में, मुरली मनोहर बिलासपुर में, मार्कंडे गुग्गर टेम्पल है, शिव टेम्पल है, ये सारे के सारे आपको याद रखने। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जैसे नंद देवी का फेयर होता है यहाँ पर मार्कंडे, गुग्गा फेयर, नलवाड़ी का फेयर जो कि स्टेट फेयर है, ये भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप इसको आप नोट कर दें, जो कि गोल्डस्टीन ने शुरू करा था, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यहाँ पर नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी है, जो कि 1963 में शुरू हुई थी। उसके अलावा कंद्रौर का ब्रिज 80 मीटर इसकी हाइट है, बहुत हाई है सतलुज पर। उसके अलावा सलापड़ में ब्रिज है, घाघस में जो ब्रिज है वो अलीखड़ के ऊपर है, घाघस ब्रिज NH5 या 21 के एरिया में। उसके बाद ट्राउट एक फार्म है जो 1962 में शुरू हुआ था, वो देवली में है। सीमेंट फैक्ट्री भी यहाँ पर एक है, उसका वो है भरमाणा में। उसके अलावा अगर आप देखें इकोनॉमिक्स के लिहाज से, तो यहाँ पर एक बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई थी, वो 1944 में किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक ब्रांच थी कोऑपरेटिव बैंक की, वो 1956 में खोली गई थी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। सो माय नेम इज सौरव एंड दिस इज एजुकेटेड हिमालय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।